हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी दोस्त की शादी का व्लॉग, और ये फंक्शन है उसका, मेहंदी फंक्शन, जहाँ हम बस एक घंटे के लिए उससे मिलने चले गए थे और थोड़ी देर हमने वहाँ पर एंजॉय किया और थोड़ा मेहंदी लगाई, फिर हम आ गए। अब आप करो दीपशिखा की शादी एंजॉय। और ये ब्राइड की सुपर टैलेंटेड सहेलियां ऑडियंस में बैठे बैठे डांस करके कैमरे का फोकस अपनी ओर करते हुए अभी करूंगी, अभी करूंगी। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम खाने लग गए हैं, तो हम इसी का इंतजार कर रहे थे अभी तक कि कब दुल्हन डांस करेगी और कब हम खाएंगे। मैं नहीं, ये तो खाली चुगलेगी, हम खाएंगे। हाँ, खाने वाली पीछे अच्छा ना, मैं कहूंगी मैं पूरा नाम मत ले, एंड ये भी खाई, ये भी खाई, मैं भी खाऊंगी अभी अभी। तो आज हम दीपशिखा की नई दोस्तों से भी मिले, मतलब कि अबे मेरे, मैं नहीं इस व्लॉग में नई दोस्त से मिले ना, इस व्लॉग में नहीं हूँ। एक हाँ, शायद मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। एक दर्शना कन्या ना, ये देखिए, इसी का इंतजार कर रही थी, इसके लिए इसने डांस भी नहीं किया। बताओ भाई, मैंने बैठ बैठ के इतना डांस किया कि सारी कैलोरीज और आंटी ने भी तारीफ कर दी कि बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। मेरी तारीफ अगर व्लॉग में नहीं डाली ना, मैंने तो वो शूट ही नहीं करा। वाह भाई वाह, कोई बुराई करे तो जल्दी से कैमरा निकाल ली है।
और यहाँ मैंने देखा मेरे कज़िन को खाना लेते हुए, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इसे परेशान करती हूँ और इसने मुझे चुप करवाने के लिए खाने की भरी हुई थाली मुझे पास करवाई और मैं चुपचाप खाने लग गई और उसको छोड़ चालू है ना। जो मैं ब्राइड टू बी वाला नहीं किया, जब हम वापस आ रहे थे तो इसका सबसे छोटा था ना, इसने अपना स्लो का कितना बड़ा हमें इतनी जल्दी भगा रहा है, तो देखना एक बार। सुनो मैं ना ऐसे भी डांस देख के ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम यहाँ पे क्यों डांस कर रहे थे, बट उस वक्त तो बड़ा ही मजा आ रहा था। इस फंक्शन को हमने बहुत एंजॉय किया। अब मिलते हैं आपको सीधा शादी में। गाइस तो ये है हमारा थर्ड लुक। दसवीं बात तो आएगी यार, जैकेट पहन के आ गई थी का तीसरा लुक। और मिलते अभी हैं अभी नहीं है ये लुक, ये वहां जाके है। अच्छा हाँ, मतलब और ये है ब्राइड का फाइनल लुक जिसमें कि वो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हैं ब्राइड की भाभी जी जो कि मल्टीटास्कर हैं। और यहाँ ये बच्चे व्लॉगिंग करते हुए।
और यहाँ हो गई है दूल्हे की एंट्री। दूल्हे की एंट्री होते ही हम चले गए थे खाना खाने, और खाना खाते हुए इतनी भीड़ लगी थी कि हमें लाइन पे खड़ा होना पड़ा। और यहाँ हो रही है जयमाला की तैयारी। इसी के साथ मुझे पता चला कि मैंने तो जयमाला वाला वीडियो शूट ही नहीं किया है, क्योंकि मैं मेन जगह पे शूट करना भूल जाती हूँ। तो गाइस फाइनली दीपशिखा की शादी हो गई है और हम फोटो शूट करके आ गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अब ऐसे करो। जी।